नंबर प्रश्न लिख रहे हैं, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए कराए कर्म देवी, ऑप्शन बी कराए धर्म देवी, ऑप्शन सी कराए रीता देवी, ऑप्शन डी कराए इनमें से कोई नहीं। तो धर्म देवी हो गया, यानी कि दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम है वह धर्म देवी है, इसलिए ए कराए आंसर बी होगा। दो नंबर प्रश्न लिख रहा है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी था, इसलिए दो कराए आंसर सी होगा। लेकिन आप एक और प्रश्न साथ में याद रखिएगा, जो मनरूप देवी है ना, या रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम है मनरूप देवी, ठीक है? आप एक्स्ट्रा में प्रश्न याद रखिए, इसलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीन नंबर प्रश्न लिख रहा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है? यानी नल दमयंती जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है यह क्या है? तो नाटक है। तो तीन कराए आंसर क्या होगा? ए होगा नाटक। चार नंबर प्रश्न लिख रहा है, निम्नलिखित में भूषण की रचना है, यानी कि हम लोग को इसमें बताना है छत्रसाल, दशक और सूर सागर और गीतावली और चित्ररेखा में इनमें कौन ऐसा है जो रचना वह भूषण की है? तो आप याद रखिएगा छत्रसाल दशक जो है वह भूषण की रचना है, इसलिए चार का राइट आंसर ए होगा छत्रसाल दशक। पांच नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न लिख रहा है सुखमय जीवन निम्नलिखित में किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या जयप्रकाश नारायण की, या सुखदेव की? तो दोस्तों आप याद रखिएगा जो सुखमय जीवन है ना वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए पांच का राइट आंसर भी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।